दुसांझ, मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहता हूं जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। हम सब जानते हैं कि 2020 हम सबके लिए बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस लेके आया, जिन चीजों के लिए हम रेडी नहीं थे, जिन चीजों के लिए हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारी लाइफ में कुछ ऐसा हो जाएगा, वो सब हमने फेस किया। छोटे से लेके बड़ा कारोबार सब प्रभावित हुए इससे। जो जो भी हमने प्लानिंग्स बना रखी थी वैसे नहीं हो सका, ये हम सबको पता है। बहुत सारी हैपन्स हुई, बहुत सारी बातें हैं जो हमारे देश में हुई, बहुत सारा आपने न्यूज़ में देखा, बहुत सारा पढ़ा। मैं उन सब के बारे में जिक्र नहीं करूंगा, कोई भी नेगेटिव बात के लिए मैं ये वीडियो नहीं बना रहा हूं। बहुत सारी पॉजिटिव बातें भी इस लॉकडाउन में मैंने सुनी, पढ़ी और देखी भी। एक बड़ी कमाल की उदाहरण है, अगर आपने कहीं पढ़ी हो तो आप जाके चेक कर सकते हैं। महाराष्ट्र के पास एक गांव है जहां पानी की नल की सेवा बंद हो गई थी जिस लॉकडाउन में, तो वहां एक पति पत्नी है, उन्होंने 21 दिन में कुआं खोदा और 25 फुट गहरा उन्होंने कुआं खोदा। पहले तो लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी ही नहीं पूरे गांव की जो पानी की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व की। ये तो बहुत बड़ी बात है। आप अपने अपने अलावा बाकी लोगों के लिए भी आपने कुछ कर दिखाया। ऐसी बहुत सारी और न्यूज़ होंगी जो शायद हम तक पहुंची नहीं, जो आप लोगों को पता होगी, जो मुझे नहीं पता होगी। मैं अगर पर्सनल बात करूं, हम सब ने जरूर योगदान दिया हमारे देश के लिए, हम जितना भी हेल्प कर सकते थे अपने अपने एंड पे, जो जो जितना कर सकता था। उसकी बात मैं नहीं करूंगा कि किसने क्या डोनेट किया, मैंने क्या डोनेट किया, वो बातें करने के लिए ये वीडियो नहीं है। मैं पर्सनल बात करना चाहता हूं। मैं भी मुंबई में था और जो दीदी हमारे खाना बनाने आती थी वो भी लॉकडाउन की वजह से आ नहीं पा रही थी, और तो मैंने यूट्यूब से खाना बनाना सीखा। मुझे पता बहुत सारे लोग कहेंगे कि आप लोग खाने की बात कर रहे हो, आप अफोर्ड कर सकते थे। बहुत सारे लोग ऐसे जिनको खाना नहीं मिला, जो खाने की वजह से जिनको कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, मुझे पता है। मैं एक साधारण परिवार से हूँ जहाँ मेरे फादर 5,000 रुपये सरकारी जॉब करते थे, और मेरी मॉम कैसे 5,000 में घर चलाते थे मुझे नहीं पता। आज अगर मैं शायद ऐसा नहीं कर पाऊंगा। प्लस वन में था जब मैं प्लस टू एंटर नहीं हो सका, क्योंकि जो एक फीस थी स्कूल की तरफ से वो मैं दे नहीं पाया था। घर से मैंने मांगी भी नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि जो 5,000 रुपये आते हैं वो पहली 2-3-4 तारीख को ही ख़त्म हो जाते हैं, और अगर घर में कोई बीमार पड़ जाए तो सोचने लगते थे कि यार अब क्या करेंगे, कि डरते थे इस बात से कि यार कोई बीमार ना हो जाए, क्योंकि पैसे जो महीने के वो ख़त्म हो जाते थे। तो ऐसी बात नहीं है कि मुझे प्रॉब्लम्स का नहीं पता है, लेकिन मैं कोई भी नेगेटिव बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ पॉजिटिव के लिए बात के लिए ये वीडियो बनाई है कि बहुत सारी पॉजिटिव बातें भी हुई हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप अपनी बात ज़रूर मेरे साथ शेयर करना। मैंने खाना बनाना सीखा, मैं एक गायक हूँ, मेरी जो जर्नी है वो एज एन सिंगर स्टार्ट हुई, तो लेकिन अभी फिल्मों में मैं चलो काम करता हूँ, तो बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग की वजह से मैं एल्बम पे और अपने गाने पे ध्यान नहीं दे पा रहा था। तो इस दौरान मैंने एक एल्बम भी तैयार की है अपने फैंस के लिए, म्यूज़िक तैयार किया है, तो मैं दो चीज़ें कर पाया अपने लिए। मैं क्या डोनेट किया, मैंने उन सब चीज़ों की मैं बात नहीं कर रहा जब कोई किसी ने क्या काम किया। जिन जिन लोगों ने भी हेल्प की दूसरों की, चाहे वो अपने एक स्टाफ की उन्होंने जो सैलरी है वो पूरी की पूरी दी, या आपने कोई भी बड़ा काम किया, उन सब के लिए बहुत बहुत सबका धन्यवाद। ये वीडियो पर्सनल है कि मैंने ये दो काम इस लॉकडाउन में किए, चाहे जैसी भी सरकमस्टांसेस थे, लेकिन मैं ये दो पॉजिटिव काम अपने लिए पर्सनली कर पाया। आपने क्या किया, आप अपनी स्टोरी ज़रूर शेयर करें। जिनको आप प्यार करते हैं उनका ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि इन लॉकडाउन में सबके दिमाग में बहुत सारी बातें आई होंगी, बहुत सारी ऐसी ख्याल आए होंगे जो कई बार हम किसी को नहीं बताते, अंदर ही अंदर कोई ऐसी चीज़ें चलने लगती हैं जिससे कई बार बंदा डिप्रेस हो जाता है। तो ये मेरी वीडियो सिर्फ इसलिए है कि आप पॉजिटिव बात अपनी शेयर करें हम सब के साथ, कि हम सबको पॉजिटिविटी मिल सके हम सबको उसके साथ, क्योंकि अब ये कोरोना जैसे पता नहीं ये जा रहा है आ रहा है, ये है क्या, ये बड़ी बातें हैं, हमारी समझ से बाहर है। तो लेकिन इसका जो असर होने वाला है उस चीज़ को कैसे कम कर सके, हम कैसे पॉजिटिव होके आगे बढ़ सकें, ये सिर्फ उसके लिए वीडियो है। अगर मैं गलत बोल गया हूँ, कुछ गलत किसी के लिए कह गया हूँ, अगर किसी के दिल को ठेस पहुँची हो मेरे किसी शब्दों की वजह से, तो मैं अभी से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार। आप अपनी स्टोरी ज़रूर शेयर करना मेरे साथ कि आप इस लॉकडाउन में आपने क्या क्या किया। थैंक यू दोस्तों। देश और दुनिया से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो करें लाइक और करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, और साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर सबसे पहले आए। धन्यवाद। नमस्कार।